कराची के शहरियों पर फिर बिजली गिराने की तैयारियां। नेपरा की इलेक्ट्रिक की बिजली 11.34 रुपए महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत आज करेगा। इजाफे की सूरत में साफिन पर 22 अरब 64 करोड़ 90 लाख का बोझ पड़ेगा। लाहौर के बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस, काफ लीग के रहनुमा मौना सिलाही समेत दीगर मुल्जमान की बुरी जमानत में 14 जुलाई तक तौसी। FII ने मौना सिलाही और दीगर पर 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम आयद किया है। कराची बफर जोन नागर सरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश। मौसम खुशगवार, महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिस्टम कमजोर हो गया है। तमाम मरकज बुहरा अरब में मौजूद है। आज से बुध तक आंधी के साथ शहर में बारिश हो सकती है। माहीगीरों को 3 रोज तक समुद्र में शिकार से गुरेज की हिदायत। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इंतजामिया इजलास मंगल को 3 बजे तलब। इजलास स्पीकर की जेर सदारत कौमी असेंबली चैम्बर में मुनाकिद होगा। मजमूई कौमी सलामती की सूरत हाल समेत अहम उमूर जेर गौर आएंगे। कराची गुलशन जमाल में गैस की मेन सप्लाई लाइन फट गई। लाइन बोरिंग के सबब फटी गुलशन जमाल, शांति नगर, डालमिया, DHA, IHO, दिगर रोड और मलहका इलाकों को गैस फराहमी मौतल। मरम्मत का काम जारी। और मुल्क भर में कोरोना फिर बेकाबू। 24 घंटों में मोहलिक वायरस से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। मजबूत केसेस की शरह 4.61% तक जा पहुंची। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 14,632 टेस्ट किए गए। 675 अफराद मोहलिक वबा से बीमार हुए। कोरोना के 153 मरीजों की हालत तशवीशनाक।